किसान है, वो दलित आदिवासी लोग है, जो माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ जो हत्या भारत में ज्यादा हो रहे हैं, खासकर जो मोदी गवर्नमेंट में आने का बाद उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकार के बहुत बड़े लंबे चौड़े वादे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए हैं, हम गैस कनेक्शन दे रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ऐसी ऐसी बातें जो से कर रहे हैं, पर इन ग्राउंड ये उनका जो सीन है नीचे नहीं देखते। सर आवास योजना में कुछ लोगों को कुछ थोड़ा पैसा मिल गया, बाकी छोड़ दिया। नमस्कार, न्यूज क्लिम का आपका स्वागत है। मैं मुकुंद रवि मौजूद है देश की पार्लियामेंट से थोड़ी दूर पर जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में दलित संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में खेत मजदूर के लोग भी शामिल हुए हैं, जो खेत मजदूर में बड़ी संख्या दलितों की है, जो खेत मजदूरी करते हैं, भूमिहीन किसान है बड़ी संख्या में। ये पूरे राज्यों में अपने अपने स्तर पर, जिले स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन चलाए और बड़ी संख्या में सिग्नेचर जो हस्ताक्षर इकट्ठा करके लोग पहुंचे हैं और राष्ट्रपति को ये मांग पत्र अपना सौंपेंगे। उस हस्ताक्षर पत्रों के साथ साथ अपना मांग पत्र भी, जिसमें ये लोग भूमि के सवाल, इसके साथ नौकरियों में आरक्षण के सवालों को लेकर पहुंचे हैं। और हमने मजदूर जो इनके मजदूर नेता और खेत मजदूर नेता के साथ साथ जो इनके दलित संगठन के नेता, उनसे बात की है, समझने का प्रयास किया है क्या इनके मुद्दे हैं, किसको लेकर पहुंचे हैं और सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती तो आगे इनका रास्ता क्या होगा। आज पूरे देश से अलग अलग दलित संगठनों से लोग दिल्ली में आए हैं ये मांग करने के लिए कि जो भारत है, भारत अपने संविधान से चलेगा, भारत मनुवाद से नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों से जो दलितों पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, पिछले 9 सालों से जो हमारे संविधान में दलितों के लिए प्रावधान है उनको ख़त्म किया जा रहा है और जो दलितों के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको रोकना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर पूरे देश के अंदर हम गांव-गांव में जाकर 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं, उस मांग पत्र को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो इस रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। खेत मजदूरों की बहुत ही बड़ी समस्या है। आज देश के अंदर कृषि मजदूर सबसे ज़्यादा पीड़ित है। इनके पास एक साल में काम नहीं है, लगातार मशीनीकरण हो रहा है, वो लगातार खेती से बाहर जा रहे हैं, साल पर काम नहीं मिलता और सरकार इसके लिए कोई बदल में काम का इंतजाम नहीं कर रही, इसीलिए ये लोग माइग्रेंट होकर के एक राज्य से दूसरे राज्य पर जा रहे हैं और इनकी इनकम बहुत कम हो रही है। और साथ में जो अच्छा कानून मनरेगा इनके लिए लेकर आए थे उसके बजट पर भी कटौती इन्होंने कर दी है, लगातार मनरेगा पर अटैक हो रहे हैं। अगर हम देखें तो मनरेगा का भी काम गरीबों को देहातों में नहीं मिल रहा है। नई शिक्षा नीति में स्कॉलरशिप, फ्री शिक्षा दलितों के लिए, इसका कहीं नामो निशान भी नहीं है। केवल निजीकरण की बात है। अगर शिक्षा का निजीकरण होगा तो फिर गरीब लोग, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो कभी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, अगर निजीकरण हो जाएगा तो आखिर दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को नौकरी कहाँ मिलेगी? उनको नौकरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से ये प्रयास किया है, DSMM की तरफ से, खेत मजदूर यूनियन की तरफ से, अन्य संगठनों की तरफ से, कि तमाम जो लोग दलित अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा लाएं, एक मंच पर लाएं और समाज के अंदर जागृति पैदा करें कि अपना वोट आप उसी को दीजिए जो आपके अधिकारों की बात अपने मैनिफेस्टो में करेंगे। 2014 से पहले, मोदी आने से पहले क्या क्या बोला मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा। किसान की आमदनी बढ़ जाएगा, दोगुना होगा, लेकिन किसान का क्या? किसान की आमदनी कुछ नहीं बढ़ा। जो किसान जो बेरोजगार है उसके रेट बढ़ते जा रहे, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। गवर्नमेंट जो है किसान के बारे में या विकास के बारे में कोई मुर्दा आगे नहीं रखते हैं, वो हमेशा हिंदू मुसलमान यही बोलते जा रहे हैं। आज की रैली का मकसद यही है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो अगस्त में एक मीटिंग हुई थी हैदराबाद में, उसमें एक मांग पत्र तैयार हुआ था, उस मांग पत्र पर हमने हस्ताक्षर अभियान
चलाया, लाखों हस्ताक्षर लेकर के लोग यहाँ पर लाए हैं और वो हम लोग राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में दलित अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों को मजबूर करो कि वो आपके एजेंडे को स्वीकार करें और मनुवादी ताकतों को हराने का काम करो। ये आंदोलन का डिमांड है कम से कम तो 5 एकड़ जमीन तो ये लोगों को देना है। इतना ये आज़ादी के बाद कितना साल हो गया, अभी भी तो गरीब लोग हैं, उनको तो ज़मीन नहीं है। हमारा केरल में तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट तो कितना साल पहले तो हम लाए, जैसा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट तो यहाँ भी आना है, कम से कम 5 एकड़ लैंड उनको देना है। दूसरा बात है, देखो ये सरकारी काम पे तो जितना पोस्ट वैकेंट है वो वैकेंसी तो बिल्कुल तो फिल करना है, और पब्लिक सेक्टर भेजना बंद करना है, पब्लिक सेक्टर का पोस्ट भी तो फिल करना है, और प्राइवेट सेक्टर में ये बिल्कुल मतलब प्राइवेट सेक्टर का काम के लिए तो आरक्षण ये कंपलसरी होना है। आगे यही करना है कि अब हमको राज्यों में जा करके इन्हीं मुद्दों को लेकर के बड़ी मीटिंगें, जत्थे, सब कुछ निकालना है, क्योंकि कल के जो चुनाव के नतीजे हैं वो ये दिखा रहा है कि दलित मुद्दे तो चुनाव का मुद्दा बना ही नहीं, गरीबों का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा वहाँ बन ही नहीं पाया, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं भाई, जो मनुवादी पार्टी है बीजेपी, उनके लिए तो ये मुद्दा है नहीं, लेकिन जिनको ये मुद्दा रखना चाहिए था उन्होंने भी इन मुद्दों को लोगों के सामने रख करके चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। तो ये जरूरी है कि ये जो गरीब जनता है, ये जो सदियों से उत्पीड़ित जनता है, इनकी आवाज को सुना जाए और इनकी आवाज को बुलंद किया जाए।